हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं भरवा भिंडी की सब्जी, जो बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। इसको बनाने में 10 मिनट का टाइम लगा है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है ये भरवा भिंडी। आप भी इसे एक बार ज़रूर बनाएं, यह आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है कुछ भिंडी और इसे दोनों साइड से कट कर लिया है और यहाँ पर बीच से भी मैंने कट कर लिया है। मैंने सभी भिंडी को इसी तरह से तैयार कर लिया है। तो हम लेंगे एक कढ़ाई और गैस को भी मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक चम्मच बेसन। मैं यहाँ पर भिंडी कम यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने बेसन एक ही चम्मच लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा भिंडी है तो आप दो चम्मच या उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने भून लिया है इसे। अब मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और एक चम्मच लूँगी यहाँ पर धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लूँगी मैं यहाँ पर जीरा पाउडर और ये थोड़ा सा गरम मसाला। अब यहाँ पर लूँगी मैं स्वाद अनुसार नमक। अब मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप लहसुन को ग्रेट कर कर ले सकते हैं और अदरक को भी। अब मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो सूखा सूखा लग रहा है, तो इसमें आप ऑयल डालकर इसे मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दही यूज़ कर रही हूँ। दही से क्या होता है, इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पर दही यूज़ कर रही हूँ। दही मैंने यहाँ पर दो चम्मच यूज़ किया है। अगर आपका जो मसाला है वो ज़्यादा है तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हैं। हमने दही उतना ही लिया है जितना में मसाला जो है बाइंड हो जाए। तो लीजिए, यहाँ पर मैंने मिक्स करके ले लिया है इसे। तब हम इसे भिंडी में भरेंगे। तो यहाँ पर मैं भिंडी में मसाला डालने के लिए हाथों का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि चम्मच से इसे डालते नहीं बनेगा। तो देखिए, इस तरीके से इसको भर लेना है मसाले को। मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया है मसाला और इस तरीके से इसे मसाले डालकर बंद कर लेना है। इसी तरीके से मैं सभी भिंडी को तैयार कर लूँगी। तो लीजिए, मैंने तैयार कर लिया है सभी भिंडी को। अब मैं यहाँ पर लूँगी कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। मैंने गैस ऑन कर लिया है यहाँ पर। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, अब हम डालेंगे इसमें भिंडी को। देखिए, इस तरीके से मैं सभी भिंडी को इसमें डाल लूँगी। तो लीजिए, मैंने सभी को इसमें डाल लिया है। अब इसको हमें ढक करके पकाना है एक मिनट तक। एक एक मिनट के अंतर में आप इसे पलटते रहें, नहीं तो हमारी जो भिंडी है वो जल जाएगी। तो लीजिए, एक मिनट हो गए हैं, अब हम इसे पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं भिंडी जो है थोड़ा सा ये इसका कलर चेंज हो गया है। देखिए, इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ये चेंज हो गया है भिंडी का कलर। ध्यान रहे कि एक मिनट के अंतराल में ही इसे पलटना है, नहीं तो हमारी जो भिंडी है वो जल जाएगी, क्योंकि भिंडी जो है बहुत ही जल्दी पक जाता है। देखिए, मैंने यहाँ पर इसे पलट लिया है और इसे ढक करके ही पकाना है, और ढककर पकाने से बहुत जल्दी से पक जाता है। तो लीजिए, यहाँ पर हमारा जो भिंडी है वो बन गया है। तो आप इसे सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा जो भिंडी है बहुत ही अच्छे से बन गया है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। तो आज की मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर बिल्कुल भी ना भूलिएगा।